पूरी विधि है कि जिस दिन दोनों का सगाई संबंध हो तो वह भी दोनों का श्रीफल जिनेंद्र भगवान की साक्षी में चढ़कर के ही दोनों का संबंध का संकल्प करना चाहिए। दूसरी बात, जब दोनों जिस दिन विवाह है एक दिन पहले, मनोज तुम भी सुनो, बताने के लिए काम आएगा, तो दोनों एक दिन पहले शाम का भोजन करके और दूसरे दिन का उपवास ग्रहण करें, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करें, और दोनों लोग उपवास करके यदि उपवास की शक्ति ना हो तो पानी आदि दूध की छूट रखें, इतनी शक्ति ना हो तो अन्न का तो त्याग कर ही दें, फलाहार ले लें, और वो भी विधान के बाद, और सुबह जाकर के भगवान का अभिषेक करें, जो मंगेतर है वो भगवान का अभिषेक करेगा, शांति धारा करेगा, और अपने हाथ से गंधोदक अपनी मंगेतर को देगा जिसकी अभी शादी होने वाली है, और यह दे करके वह गंधोदक का जो कटोरा है, गंधोदक जो है शांति धारा का, वो लड़के का पिता अपने हाथ में लेकर के, और दूसरा पक्ष जो है उस पक्ष को जाकर के अपने हाथ से वो गंधोदक पूरे आए हुए बरातियों को देगा, और वही गंधोदक उसका संबंध बनाने का प्रतीक है कि हम जिनसे संबंध बना रहे हैं उसके बीच में पवित्र गंधोदक है। फिर दोनों एक दूसरे को गंधोदक देंगे और पूरे दोनों ध्यान में बैठेंगे, कायदा से फर्स्ट विधि बता रहा हूँ, दोनों तरफ के बराती, घराती और बराती, दोनों पक्ष बना करके पूरे मंदिर पंडाल में धोती दुपट्टा पहन के मैं बराती के, मैं रिश्तेदारों के, ऐसे लगना चाहिए जैसे कोई साक्षात कोई महाविधान हो रहा हो। सब लोग धोती, पुरुष वर धोती दुपट्टा, महिला वर केसरिया साड़ी, और पूरे ठाट से पंच परमेष्टि विधान करें। पंच परमेष्टि पूरा विधान करके एक नंदी कलश की स्थापना की जाती है, उस कलश को स्थापित करें, पूरे विधान होने के बाद थोड़े से पुष्प बचा लें उस थाली में जिसमें से आप चढ़ा रहे थे, और जब पूरा विधान हो जाए तो हवन करें। हवन करने के बाद उसकी सात प्रदक्षिणा लगा करके, जो भी आप सप्तवचन आदि कराते हैं वो कराने के बाद, दोनों दंपति उस कलश को, वह महिला अपने सिर पर ले जा करके नंदी कलश को, और उनके परिवार के लोग वो पुष्प ले जा करके अपने जहाँ जिस स्थान पर जाना है उस स्थान पर जा करके बैठ करके परिवार के लोग दोनों दंपति वो पुष्प का क्षेपण करेंगे और वो मंगल कलश घर ले जाएंगे। लेकिन दंपति दोनों घर नहीं जाएंगे, नंदी कलश जाएगा और पुष्प जाएंगे, और दोनों दंपति वहीं मंदिर में संकल्प करके सात दिन का, कम से कम तीन दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके वहीं से सिद्ध क्षेत्र की अथवा अतिशय क्षेत्र की वंदना को जाएंगे। वहाँ तीन दिन अथवा सात दिन जिनेंद्र भगवान की तीर्थ की वंदना में भक्तिपूर्वक व्यतीत करेंगे, फिर वहाँ से लौट करके आएंगे पूरा परिवार गाजे बाजे के साथ, फिर उनको घर में प्रवेश कराएगा। ये विधि होती है। मैंने सोचा कि ये जो घूमने की परंपरा है शादी के बाद, प्राय घूमने की परंपरा है, उसका नाम आप क्या देते हो मैं नहीं बोल रहा हूँ, घूमने जाते तो मैंने सोचा कि ये परंपरा का कोई ना कोई सूत्र होना चाहिए। वर्षों तक चलता रहा, जब 98 में अलवर के अंदर आदि पुराण पर संगोष्ठी थी, उस संगोष्ठी के समय पढ़ते पढ़ते एकाएक भाव आया, अरे ये तो इतनी पवित्र परंपरा है, इन लोगों ने तो इतने गंदे में बदल दिया, गंदा नाम दे दिया कि शादी के बाद घूमने जाना है गंदे स्थानों पर, ऐसे आराम के लिए, भोग विलासता के लिए। अरे ये तो प्राचीन परंपरा है कि शादी के बाद किसी सिद्ध क्षेत्र पर भक्तिभाव पूर्वक संयम पूर्वक व्यतीत करना, और जिसके शादी के बाद तीन दिन संयम पूर्वक निकल गए नियम से, उसका मरण भी संयम के साथ ही हो गया। समाधि से फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तीन दिन यदि संयम से निकाल लिए
तो जीवन का अंत का मरण भी समाधि के साथ, व्रतों के साथ, वृत्ति बन करके ही उसका निकलेगा। इस प्रकार का चक्रवर्ती उहाय होना। चक्रवर्ती उहाय के भोजशाला उसमें कोई भी बराती रात्रि भोजन नहीं करेगा, आलू प्याज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि फेरे तो मंदिर में फाड़ लो और रिसेप्शन फिर फाइव स्टार में जाके करो।